वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिजिकल एजुकेशन की बेस्ट प्रैक्टिस। जैसा कि आप यदि किसी भी स्टेट के फिजिकल एजुकेशन की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी के अकॉर्डिंग, चाहे यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो, मध्य प्रदेश स्टेट हो एंड यूपीएलटी ग्रेड हो, केवीएस एमवीएस हो, सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी सेशन, एमसीक्यू सेशन एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज मेरे चैनल पे मौजूद है। और आपका अब ये मध्य प्रदेश स्टेट वर्ग वन वर्ग टू जल्द होने वाला है, तो उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेली बेसिस पे जुड़ जाइए मेरे साथ और बेस्ट प्रैक्टिस कीजिए और सेल्फ स्टडी भी करिए और अपना बेस्ट दीजिए। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन है, हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित है, तो जो हृदय की श्वसन क्षमता है वह सामान्य शारीरिक सहन शक्ति से संबंधित है। जितना आपका सामान्य शारीरिक सहन शक्ति होगा उतना ही बेटर होगा हृदय की श्वसन क्षमता। नेक्स्ट दोस्तों, प्राणवायु कौन है, तो प्राणवायु आपका ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है फेफड़े हिस्सा है, तो फेफड़े तो श्वसन तंत्र का हिस्सा है और मुख्य श्वसन अंग है। नेक्स्ट है, खेल मैदान में एथलीट के हृदय के धड़कन की दर जानने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो जैसे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हार्ट बीट यानी हृदय धड़कन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, बट यहाँ पे एथलीट के धड़कन की दर जानने के लिए खेल मैदान के उपकरण में, खेल मैदान में आपको रेडियो टेलीमेट्री का उपयोग किया जाता है एंड इसमें जो स्पायरोमीटर है वह आपका फेफड़े की क्षमता जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो स्फिग्मोमैनोमीटर है वह ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता कितनी होती है, तो जैसा कि दोस्तों जो फेफड़ों की कुल वायु यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी बराबर होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, तो वाइटल कैपेसिटी यानी कि जो जैविक क्षमता होता है वो आपका होता है 4600 ml यानी कि 4.6 लीटर, और जो रेसिडुअल एयर होता है वो आपका होता है 1200 ml, तो 4600 ml प्लस 1200 ml, तो 4600 ml प्लस 1200 ml आपका हो जाएगा 5800 ml यानी कि 5.8 लीटर आपका टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा। तो यहां पे आपका दिया नहीं है एग्जैक्ट, तो यहां पे आंसर दे दिया है आपका 4.5 से 5 लीटर, जबकि एग्जैक्ट आंसर होगा 5.8 लीटर, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज होता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है वो पल्मोनरी धमनी से होकर के फेफड़ों में जाता है और वहां पे ऑक्सीकृत होकर शुद्ध होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है और वहां पे रक्त शुद्ध होकर के पल्मोनरी सीरा के द्वारा बाय अलिंद में आता है और बाय अलिंद से बाय नीला में आता है, बाय नीले के संकुचन से इरोटा यानी महाधमनी से समस्त शरीर में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सर्वाधिक होता है, तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस जो होता है एक सहनशीलता वाले चीजों में ज्यादा होता है, जिसमें जितना ही ज्यादा समय की क्रिया होगी उसमें ज्यादा होगा आपका कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, तो इसमें आपका होगा कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस मैराथन दौड़ में। यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे खत्म हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन था मैराथन धावक, तो किस खिलाड़ी में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस सबसे ज्यादा होगा, तो मैराथन में होगा, अगर मैराथन नहीं रहता तो आपका धावक हो जाता। क्वेश्चन है, हमारा हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आप सबको पता ही है 72 से 75 बार धड़कता है।
नेक्स्ट है मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो मुख्य श्वसन अंग जो है वो फेफड़े है, और फेफड़े के जो एल्वियोलाई होता है वही में उसी में गैसों का आदान प्रदान यानी डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। एल्वियोलाई में क्या होता है कि वहां से जो ऑक्सीजन होता है रक्त में चला जाता है, रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फेफड़ों में आ जाता है जिससे उसके द्वारा बाहर निकल जाता है। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, एल्वियोलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलने में श्वसन क्रिया का कौन सा भाग महत्वपूर्ण होता है, तो जो लैरिंग्स होता है यानी जो कंठ होता है उसका प्रयोग किया जाता है बोलने में। नेक्स्ट है सिद्धांत और व्यवहार के वच यानी कि विवेच का सही मापन लेना चाहिए, तो सामान्य श्वसन के अंत में लेना चाहिए। नेक्स्ट है एक वयस्क व्यक्ति में ट्रेकिया यानी कि श्वास लेने की लंबाई कितनी होती है, लगभग तो 10 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है श्वास लेते समय यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20% है तो श्वास छोड़ने पर निकलने वाले वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, तो यह होगी आपका 16%। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो इतना ही मात्रा में हम श्वास लेते हैं तो वायु जाता है, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हम श्वास लेते हैं तो जाता है अंदर, और बाहर निकालते समय ऑक्सीजन जो है 21% जाता है और बाहर निकलता है 16%, और जो नाइट्रोजन होता है 78% जाता है, पूरा का पूरा बाहर हो जाता है, निकल जाता है, कोई भी उसका यूज नहीं होता, 78% जाता है 78% निकलता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% जाता है बट आता है उधर से 4.1%। नेक्स्ट है एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति एक मिनट में कितनी बार श्वास लेता है, दोस्तों तो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति एक मिनट में 16 से 20 बार श्वास लेता है, जबकि एक प्रशिक्षित व्यक्ति जो होता है जो प्रशिक्षित हो गया तो हाइपोक्सिया में सबसे कम ऑक्सीजन पहुंचता है तो 300 में पहुंचता है। हाइपोक्सिया जो एक श्वास का बीमारी है। नेक्स्ट है श्वास नलिका के अंगों को सही क्रम में लिखे, जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले नसिका में जाता है, उसके बाद कंठ यानी लैरिंग्स में, ग्रसनी यानी फेरिंग्स में जहां भोजन नली और श्वास नली दोनों होता है, एंड फिर उसके बाद लैरिंग्स यानी कंठ में, उसके बाद जाता है आपका श्वास नली ट्रेकिया में, फिर फेफड़ों में, फिर एल्वियोलाई में। तो यहाँ पे ट्रेकिया ये नहीं दिया है तो एल्वियोलाई आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वसन केंद्र यहाँ स्थित है, तो दोस्तों श्वसन केंद्र जो है अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है यहाँ पे आपका होता है, श्वसन केंद्र स्थित है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में जो मज्जिका कहलाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है एल्वियोलाई में पृष्ठ ताड़ कम कर देह होने से बचने में कौन सा द्रव्य शामिल होता है, तो वह होता है सर्फैक्टेंट। नेक्स्ट है हमारे फुफ्फुस यानी फेफड़े कुल औसत पृष्ठ विस्तार कितना है, तो इसका है 75 SQMT यानी कि मीटर। नेक्स्ट है एक मिनट में श्वसन किए गए लगभग परिणाम है, तो एक मिनट में जितना श्वसन किया जाता है लगभग 7 लीटर। नेक्स्ट है स्ट्रोक आयतन तथा हृदय गति का उत्पाद है, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट बीट दोनों का उत्पाद क्या है, तो दोनों का उत्पाद दोस्तों होता है कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं, हृदय के एक धड़कन में बाएं धीने द्वारा जितना रक्त शरीर की तरफ महाधमनी की ओर भेजा जाता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम जो आपका 70 ml होता है, एंड हार्ट बीट जो होता है वो प्रति मिनट 72 होता है। तो प्रति मिनट एक मिनट में जितना रक्त हृदय शरीर की तरफ भेजता है यानी कि पंप करता है उसी को कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। तो जब आप स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml
हार्ट रेट होता है 72 ml, दोनों का गुणा करेंगे तो 5 लीटर कुछ आएगा आपका, ठीक है, तो 5.1 आपका लीटर आ जाएगा कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की मात्रा वह जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर और बाहर ले जाई जाती है तो उसको हम कहते हैं दोस्तों टाइडल वैल्यू। क्या कहते हैं उसको, जो सामान्य श्वसन में अंदर वायु अंदर और बाहर ली जाती है उसको हम कहते हैं टाइडल वैल्यू। नेक्स्ट है, प्रति मिनट ली गई हवा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, तो उसको श्वास मिनट आयतन कहते हैं। प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को श्वास मिनट आयतन कहते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य हवा में ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है, तो सामान्य हवा में ऑक्सीजन 21% होता है। हम श्वास लेते हैं तो 21% अंदर जाता है और बाहर निकलते समय 16%। नेक्स्ट है, श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग बॉडी के लिए उत्तरदायी है, तो लैरिंग्स यानी कंठ होता है। नेक्स्ट है, फेफड़ों में एल्वेओल्स की अनुमानित संख्या कितनी होती है, तो यह होता है 700 ml, 700 मिलियन। फेफड़ों में एल्वेओल्स की संख्या कितनी होती है, तो 700 मिलियन होता है। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र पोषण उपापचय यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी के यकृत में संचित ग्लाइकोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो खिलाड़ी के यकृत में यानी लीवर में कम से कम 70 से 100 ग्राम जो है आपका ग्लाइकोजन संचित होता है। नेक्स्ट है, मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है, तो मेटाबॉलिज्म का जो संबंध है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से है। नेक्स्ट है, एंटी रिकेटिंग विटामिन किसे कहते हैं, तो एंटी रिकेटिंग विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को, इसको नेचुरल विटामिन भी कहा जाता है, इसकी कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका ए है विटामिन डी सनलाइट, तो आप राइट है, ए सनलाइट से सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त होता है। एंड बी है आपका विटामिन B1 थायमिन, तो विटामिन B1 का जो वैज्ञानिक नाम है थायमिन होता है, जिसकी कमी से बेरीबेरी होता है। सी है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, तो B2 का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। एंड दोस्तों बी नेक्स्ट है B3 जिसका रिकेट दिया हुआ है, तो B3 की कमी से पिलाग्रा रोग होता है, त्वचा रोग, जबकि रिकेट जो है विटामिन डी की कमी से होता है, तो कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, वसा का प्रति ग्राम शरीर को कितनी कैलोरी प्रदान करता है, तो वसा जो है प्रति ग्राम में शरीर को कितनी कैलोरी प्रदान करता है, तो 9.1 यहाँ पे 9 दिया है, ठीक है। और वही भी कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन पूछेगा तो वो 4.1 किलो कैलोरी, ठीक है। नेक्स्ट है, अंडे में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, तो अंडे में जो है वह प्रोटीन पाया जाता है एल्ब्यूमिन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन या ग्लोबुलिन दिया है जो कि गलत है, ग्लोबुलिन जो है रक्त में पाया जाता है। तो जैसा कि आपको याद रखना है कि अंडे के सफेद भाग जो होता है उसमें एल्ब्यूमिन पाया जाता है, और जो पीला वाला भाग है अंडे की जो जल्दी होती है उसमें वाइटेलिन पाया जाता है, और ग्लोबुलिन रक्त में पाया जाता है, कैसिनोजिन जो है दही व पनीर से प्राप्त होता है, और मायोसिन जो है वह वसा रहित मांस मछलियों से प्राप्त होता है, ठीक है। और ग्लूटेन जो है गेहूं में प्राप्त होता है, लेग्यूमिन जो है फलियों और सब्जियों और दालों में पाया जाता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 श्रेणी, ये है आपका मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड।
मोनोसेक्राइड जो होता है शर्करा यानी ग्लूकोज के एक अणु से बना होता है जिसका पाचन आसान होता है। डाइसेक्राइड जो शर्करा के दो अणु से बना होता है और पॉलीसेक्राइड शर्करा के दो से अधिक अणुओं से बना होता है। मोनोसेक्राइड में आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज आता है, डाइसेक्राइड में माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज आता है एंड पॉलीसेक्राइड में ग्लाइकोजन स्टार्च सेलुलोज कैरोटीन आदि आता है। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति की संहति का लगभग 99% 6 तत्वों से बना होता है अर्थात कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और 3 तत्व कौन से हैं नाइट्रोजन फास्फोरस और कैल्शियम। यानी कि कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस और कैल्शियम इन 6 तत्वों से 99% भाग बना होता है प्रत्येक व्यक्ति की शरीर का। नेक्स्ट है शरीर के लिए अनिवार्य अमीनो अम्ल कौन सा है दोस्तों, तो अनिवार्य अमीनो अम्ल है शरीर के लिए लाइसीन। क्या है लाइसीन। अन्य कौन कौन से हैं जैसे कि हमारा जो अमीनो अम्ल है जो प्रोटीन है वह अमीनो अम्लों से बना होता है और यह अमीनो अम्ल 20 या 22 पाए जाते हैं जिसमें से दो आगों में डिवाइड किया गया है, एक आपका इसेंशियल अमीनो अम्ल यानी कि आवश्यक अमीनो अम्ल, एक नॉन इसेंशियल यानी कि अनावश्यक अमीनो अम्ल। जो इसेंशियल होता है आवश्यक अमीनो अम्ल ये 9 होते हैं और नॉन इसेंशियल जो होता है वो 13 होते हैं। तो जो आवश्यक अमीनो अम्ल है वो भोजन से प्राप्त होते हैं, जो अनावश्यक अमीनो अम्ल 13 होते हैं वो शरीर स्वयं निर्माण करता है और भोज्य पदार्थों के पाचन के बाद करता है। और जो आवश्यक अमीनो अम्ल यानी जो भोजन से प्राप्त होते हैं उसमें 9 अमीनो अम्ल आते हैं जैसे कि ल्यूसीन आइसोल्यूसीन लाइसीन मेथियोनिन फेनिलएलनिन थ्रोनाइल वेलिन ट्राइप्टोफैन हिस्टिडिन आदि। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।